क्यों भाई, कैसी लगी? आ गया स्वास्थ्य का टाइम पीएससी का। अरे तो कौन सा तोप मारा इंजीनियर करके? अच्छा तोप मारी नहीं है, अब मारेंगे। इंटरव्यू देके जॉब लेके मैं दूंगा फुल टाइम ब्लॉगिंग पे ध्यान, फिर तो वहां भाई बनेगा सेलिब्रिटी जाकिर खान। बेटा पढ़ लो, वरना पहचान बनाने के चक्कर में ना अपने ही वाले पहचानने से मना कर देंगे। अरे मैं इंदौर पे राज करूंगा। बेटा ये इंदौर है, यहाँ 1000 कोचिंगें हैं, हर कोचिंग में 1000 बच्चे हैं। हर कोई यहाँ राज करना चाहता है, तो तू तेरा ज्ञान अपने पास ही रख। अरे ये बताओ, इंदौर में लड़कियों क्या सीन है? बेटा ये इंदौर है, यहाँ लड़कियाँ लड़कों के पीछे नहीं अपने सपनों के पीछे भागती है। बेटा सीरियस हो जा, जॉब पकड़ और आगे बढ़। अभी तो अच्छा लगेगा, नया शहर है, घूमेंगे फिरेंगे ऐश करेंगे, लेकिन जब जॉब नहीं लगेगी ना तो लोग पूछेंगे क्या कर रहा है बेटा, तो है ना माँ बाप को पैकेज बढ़ा के बताना पड़ता है। बेटा ये तो बोल नहीं सकते कि बच्चा ऐश कर रहा है। बेटा दुनिया की नज़र में गिर जाओ, पर माँ बाप की नज़रों में नहीं गिरना, ना तो ये बस तू सहन कर पाएगा और ना मैं। अबे यार मेरा तो पहले ही दिन है यार, क्या 12 बजा रहे हो, थोड़ा टाइम तो दो। हाँ ले ले टाइम, बाद में बोलना मत कोई समझाया नहीं। हद्दे में क्या यार, कमोड जैसी बातें मत करो, दारू पिलाओ, कल मेरा इंटरव्यू है अपने को। सो भाई हाथ जोड़े तेरे, मुझे पढ़ने दे और तू इंटरव्यू की तैयारी कर। फोन बजा तेरा, फोन उठा। हेलो। हेलो बेटा, हाँ हरी प्रताप। खुश रहो खुश रहो बेटा, आज तुम्हारा इंटरव्यू है ना? हाँ अच्छा, तो एक काम करना, अपने भैया को कॉल कर लेना, हाँ ऐसे ही नहीं उनका फील्ड वर्क का काम मिला उन्हें, 6 लाख का पैकेज है, 6 लाख का, तो उनसे थोड़ा सलाह मशवरा कर लेना। जी। ठीक है, और बधाई हो, आराम से जाना। हाँ जी पक्का ठीक है बेटा, प्रणाम। पक्का, ओके प्रणाम। प्रणाम। भाई ये कौन है जो इन 2 महीने का 60,000 कमा रहा है? उसकी तो लाइफ सेट हो गई यार। सेट है ही, इतना देख उसका देख, ये ना रोज नए कैफे में जाता है, रोज नई जगह, रोज नई डिश खाता है। अब इंदौर कोई छोटी बात है क्या 60,000 कमाना? आप यूं ही काम होगा, पीएससी में लगे रहते हो, इसकी देखो सीखो कुछ। कैसा लग रहा हूँ? अच्छा लग रहा है। उसे जा कहाँ रहा है? इंटरव्यू देने। इंटरव्यू देने? अच्छा। अरे यार मुझे डर लग रहा है। कुछ नहीं यार, बस इंट्रोडक्शन की तैयारी कर ले, हो जाएगा। ये क्या होता है? अबे साले परिचय परिचय। तो ये क्या मतलब क्या? वैसे तुझे बनना क्या है? मुझे ब्लॉगर। हाँ फिर अपन को देना है मोटिवेशनल स्पीच कॉलेजों में जाके, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, अपना खुद का बुंदेलखंड कॉलेज, फिर देखो मजे। अबे अभी तो परिचय की तैयारी कर, स्पीच बाद में देना। ठीक है कर लेते हैं परिचय भी। अरे मैं नहीं कर रहा परिचय, बुंदेलखंडी है, मजाक नोई, अब हम लेके आते हैं। हाँ जाब, कौन सी जाब है, हम भी तो देखे, हमें रोक पाएगी? जा जा बेटा, फक ऑफ, बेस्ट ऑफ लक। आ गया हूँ।
We need an engineer. I got broads in Atlanta. कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? है देखो तुम्हें देख के लगता तो नहीं कि तुम्हें कुछ आता है, तो जो मैं पूछूं सिर्फ वही बताना। जी मैडम। ओम स्लो बताइए। है? अच्छा तो ओम स्लो किसने बनाया यही बता दो। न्यूटन ने। अच्छा तो फिर न्यूटन स्लो किसने बनाया? ये सब छोड़ो अपनी हॉबीज ही बता दो, कोई टैलेंट हो तो वो ही बता दो। मैम हॉबीज का ऐसा है कि हमें अपनी भैंस का ज्ञावन कराना बहुत अच्छा लगता है और दाल बाटी खा के खेत पड़ जाना अच्छा लगता है। और टेलर का क्या होता है, हम बुंदेलखंडी हैं, हम तो बच्चे की पोन देख के बाप का नाम बता देते। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा ना तो आपके माँ बाप के नाम बताएं। गजब बेइज्जत। आर यू मैड? गेट आउट। जाके अपनी भैंस का गोबर उठाओ, तुम वही कर सकते। ₹20 के रजनीगंधा ने नुकसान करा दिया यार। अबे क्या हुआ, कमोर जैसी शक्ल क्यों बना रखी है? हम गधे हैं, हमको खच्चर बनाया गया है। और ना रेस में घोड़े दौड़ते हैं, गधे और खच्चर नहीं। यहाँ 2-stroke, 4-stroke स्टीम इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन, नियॉन लेजर सब कुछ पढ़ा है, लेकिन इंटरव्यू कैसे निकालना ये कौन पढ़ाएगा भाई? C++ जावा भाई, मैकेनिकल का हो कि मुझे क्या करना C++ जावा पढ़ के, लेकिन नहीं आप तो पढ़ो हम तो पढ़ाएंगे भाई। इनको खुद नहीं पता के इंजीनियरिंग के बाद करना क्या, बोलते बॉलिस्कोप है। और पता भाई क्या हुआ, साला मुझे वहां बैठा लिया, वो HR ने बोला प्लीज सिट। जैसे जैसे कोई अपन को बुलाया भाई बैठो, अब अपन कहाँ बैठते हैं, अपने को ये पता बाजू बैठते उसके जाके। अब भाई जब आदमी को यही नहीं पता कि बैठना कहाँ है तो इंटरव्यू का घंटा निकलेगा। सब बोलते हैं इंजीनियरिंग कर लो मस्त जॉब लगेगी, 60,000 का पैकेज, 6,00,000 का पैकेज, भाई यहाँ ना पैकेज के अलावा सब लग गया है भाई। तू टेंशन ना ले, मैं सिखाता हूँ तुझे, चल इंट्रो दे। अबे चूतिए, इंट्रो का मतलब इंट्रोडक्शन दे। अच्छा, हमारा नाम अर्जुन पांडे है, हम बुंदेलखंड से हैं, हमारे घर में 4 भैंसे हैं। ये मम क्या लगा के रखा है, इंग्लिश बोल इंग्लिश। अब इंग्लिश भी सीखूं? तू रहन दे भाई, तू जाके अपनी भैंस का दूध निकाल। साला HR भी यही बोल रही थी। भाई मैं प्लीज सिखा दे भाई, पहली सैली से ना पार्टी दूंगा भाई। तुझे तो ब्लॉगर बनना था ना, तो वो करना। भाई जब से इंदौर आया हूँ ना, इंटरव्यू पे इंटरव्यू दे रहा हूँ। साला नाम अर्जुन है लेकिन ना इंदौर ने मुझे सिकंडी बना के रख दिया है। और भाई ये क्या है साला, जब भी देखो पोहा जलेबी, जो भी खाओ पोहा जलेबी। भाई कब्ज हो गई है पोहा खा खा के, 2 दिन से आगा नहीं हूँ। ओ कार्तिक आर्यन, ये कोई मूवी नहीं है। चुप। क्या है? सच कह रहे हो यार, कोटा फैक्ट्री हो या हॉस्टल डेज, सब में ना पांडे नाम का लड़का हीरो होता है, और मैं अर्जुन पांडे हीरो की बजाय सिर्फ रो रहा हूँ। ठीक है ये भी कर लेंगे, अब बचा ही क्या है।
मे आई कम इन मैडम? तुम? मैम इस बार हम प्रिपेयर हो क्या है? ठीक है पहले चश्मा उतारो। ठीक है हैव अ सीट। ओके सो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। माय नेम इज अर्जुन पांडे, myself born from village area, I passed away this year with mechanical engineers and I have buffaloes and land in village. देखो मुझे यहाँ पे talented लोगों की जरूरत है या फिर experienced, और ना तुम talented हो ना experienced। मैम हमें इस जॉब की बहुत जरूरत है मैम, हमारे दादाजी को कैंसर है मैम। कौन सा कैंसर? कैंसर ब्रेस्ट कैंसर मैम। आर यू मैड? गेट आउट। क्या लगा रखा है सब? बाहर निकलो, अभी निकलो, बाहर बाहर निकलो पहले, मैम बाहर, मैम बाहर, मैम बात तो सुनिए, कहाँ से आ जाते हैं? मैम हम बहुत गरीब आदमी हैं मैम, हमारे पास कोई खेती नहीं, ना कोई जमीन है मैम, ना भैंस है मैम, हमारे पास एक ही भैंसा है जो कि किराए पे चलता है, उसी से हमारा सारा परिवार चलता है मैम। हमें जॉब दे दो मैम, हम बहुत गरीब आदमी हैं मैम, जॉब चाहिए मैम, इंदौर जॉब जाकर काम बनना है मैम, जॉब चाहिए मैम, जॉब जॉब जॉब। अरे ये क्या कर रहे हो? रुको रुको चलो उठो, अरे उठ जाओ, दो मिनट रुको। I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took at me, shook at me, clean, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the. Hey, you made me up, believer.